राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के जेतारण गांव के यहां 2 किलोमीटर सड़क दुरुस्त करने की मांग को लेकर के ग्रामीण पहुंचे संभागीय आयुक्त कार्यालय सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में रहने वाले ग्रामीण जन आज संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे। उन्होंने बताया है कि दारमड़ा से घोड़ा काकड़ तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क जिसका पूरी तरह वह क्षतिग्रस्त हो रही है, उसे तुरंत दुरुस्त करवाई जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को वहां सहूलियत मिल सके। इसी बात को लेकर के जेतारण गांव के ग्रामीण जन उदयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को जल्द से जल्द पट्टे दिलाए जाए ताकि उनके जंगल जमीन का हक उन्हें मिल सके। यह ज्ञापन आदिवासी जनाधिकार एका मंच राजस्थान की ओर से सौंपा गया। मतलब उदयपुर जिले के कई वर्षों से हमारे आदिवासी लोग जंगलों में रह रहे हैं। पुराने टाइम से जैसे हमारे फुलवारी के नाल में जो पूंजा भील जो रहता था, जो मतलब हमारे हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वहाँ कम से कम आज उनको 700 साल पुराने लोग वहाँ रह रहे हैं फुलवारी की नाड़ में, पर अभी तक मतलब उन लोगों को पट्टा नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि देवली का जंगल है जिसका नाम देवली का जंगल फुलवारी के अभ्यारण्य में आता है, अब हम ये सोचते हैं कि मतलब 13 साल की उम्र से मैं खुद भी मतलब पार्टी में लड़ रहा हूँ किसानों के लोगों के आदिवासी लोगों के मतलब जंगलों में जो रह रहे हैं परंपरा से, मतलब हमारे खाकरे के पत्ते होते, केल के पत्ते होते, उस पत्तों से तो हम लोगों ने वहाँ मकान बना के रह रहे थे। अब तक मतलब उनको पट्टा नहीं मिलेगा तो क्या लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे? क्या कारण पट्टा क्यों मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है ना, फाइलें वन विभाग में, पानरवा रेंज में, ओगना रेंज में, फलासिया रेंज में, इस तरीके से अब तक वो फाइलें रेंज में ही रह रही है ना। तो रेंजर लोग देते नहीं, हम वहाँ से ग्राम सभा में भी भेज दिया गया, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। जैसे हम अभी क्या करते हैं कि मैं महीने में उदयपुर जिला का अध्यक्ष होने के नाते 15 दिन कुमलगढ़ अभ्यारण्य में रहता हूँ। अब कुमलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर जंगलों के अंदर जाके हम देखें तो मतलब बाप दादा का कुआ है, बाप दादा के शमशान है, उसके वो पूरब है। अगर मौके पर हमारा सीआईडी पुलिस वगैरह जो भी पहुंचे तो हम यही देख के आए हैं कि भाई कुआ वहाँ का मौजूद है, कुआ मौजूद है, उसकी समाधि मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद होने के बाद मतलब बड़े बड़े रजवाड़ा के लोग या ठाकर लोग ऐसे खरीद के उस जमीन को मतलब अपने कब्जे में कर देते हैं। जब हम ये सोचते हैं, हमने मांग पत्र भी दिया है, उसके बावजूद भी हमारे लोगों को नहीं घटा है, जबकि हम यूँ कहते हैं कि आदिवासी लोग मतलब जंगलों में रह रहे हैं वर्षों पुराने, अभी भी मतलब उस पंचायत में जैसे बानपुरा पंचायत में मतलब 5 मकान गिरा दिए, तो भाई उस किसान को कम से कम नोटिस तो दिया जाता, नोटिस देता तो वो हम मांग पत्र भी देते और काम भी करते, लेकिन ना तो नोटिस दिया, बिना नोटिस। अब हम आगे जा करके और देखें तो कुमलगढ़ के अभ्यारण्य में बड़े बड़े जो सेठ हैं वो कुमलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बंगला बना रहे हैं ना, और 24 घंटा जैसे भी चल रही है 24 घंटा। और हम लोग ये सोचते हैं जब 24 घंटा अभ्यारण्य के अंदर जब जैसे भी चलती है तो हमारे आदिवासी तो खेड़ाऊ लोग हैं, उनको लोगों को बाहर कैसे निकाल दिया जाता है।